दोस्तों आज की वीडियो में ऐसे जानवरों की बात करेंगे जहां कमजोर दिखने वाले जानवरों ने कुछ ऐसा किया कि जंगल के राजा शेर को भी वहां से भागना पड़ा। दोस्तों आप यह तो जानते ही होंगे कि अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली भैंसे कितने डेंजरस होते हैं। आपको जानने के बाद आश्चर्य होगा कि जंगली भैंसे इतने डेंजरस होते हैं कि इन्हीं जंगली भैंसों के कारण अफ्रीका के जंगलों में हर साल 10 शेरों की मौत होती है। लेकिन एक बार जंगली भैंसों का सामना शेर से नहीं बल्कि जंगली कुत्तों से हो गया। जंगली भैंसों को पता था कि जब जंगली कुत्ते एक साथ झुंड में होते हैं तो कितने डेंजरस होते हैं। यह वीडियो अक्टूबर 2018 में साउथ अफ्रीका के एक जंगल में रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ जंगली भैंसों का एक झुंड था। भैंसों के झुंड की कमजोरी यह थी कि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे और इन बच्चों पर जंगली कुत्तों की नजर पड़ गई और जंगली कुत्तों का झुंड जंगली भैंसों और बच्चों के पीछे दौड़ने लगा। आपको जानने के बाद आश्चर्य होगा कि जिन जंगली भैंसों के बच्चों का शिकार शेर भी नहीं कर पाता, लंबे इंतजार के बाद जंगली कुत्तों के झुंड ने जंगली भैंसों के झुंड से 5 बच्चों का शिकार कर लिया। और उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि जंगली भैंसे अपने बच्चों को वहीं छोड़कर भाग गई क्योंकि उनको मालूम था कि वह कुत्ते इतने ज्यादा भूखे हैं कि एक साथ मिलकर यह कुत्ते बड़ी भैंसों को भी मौत की नींद सुला सकते हैं। जंगली कुत्ते डेंजरस ही नहीं बल्कि तेज तर्रार भी होते हैं। उनकी चालाकी का वीडियो आप इस वीडियो में देख लीजिए। इस वीडियो को साल 2019 में जिम्बाब्वे के जंगल में रिकॉर्ड किया गया था जिसमें आप देख सकते हो कि एक शेर ने एक जंगली कुत्ते का शिकार किया है और शेर ने जंगली कुत्ते की गर्दन को पकड़ रखा है लेकिन जंगली कुत्ता बिना मरे हुए ही ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे उसकी मौत हो गई हो। उस शेर को भी एहसास होने लगता है कि शायद जंगली कुत्ते की मौत हो गई है। यह समझकर शेर ने उस जंगली कुत्ते को वहीं छोड़कर दूसरे कुत्ते के पीछे दौड़ने लगता है। जैसे ही शेर वहां से दूर हो जाता है इधर मरा हुआ कुत्ता खड़ा होकर वहां से भाग जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जंगली कुत्ते भले ही शरीर में छोटे होते हैं लेकिन इसके जबड़े मगरमच्छ से भी ताकतवर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कछुए के शरीर का जो कवच होता है इतना ज्यादा मजबूत होता है कि मगरमच्छ भी कछुए के कवच को तोड़ नहीं पाता। लेकिन जंगली कुत्तों के जबड़े इतने ताकतवर होते हैं कि वह सभी एक साथ मिलकर बड़े से बड़े कछुए का कवच आसानी से तोड़ देते हैं। यही कारण है कि चाहे जंगली भैंसा हो या जंगल का राजा शेर, जंगली कुत्तों के डर से वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों जंगली कुत्ता ऐसा खतरनाक जानवर होता है जिसे हम लकड़बग्गा के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि जब लकड़बग्गा का झुंड सामने आता है तो शेर और चीता जैसे जानवर भी वहां से भाग खड़े होते हैं। ऐसी ही एक घटना साल 2019 में साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क जहां पर गेंडे का झुंड एक जगह पर खड़ा था। कहा यह जाता है कि गेंडे के शरीर में इतनी ताकत होती है कि शेर भी उसका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन इस बार गेंडों के सामने लकड़बग्गों का झुंड था। सभी लकड़बग्गों ने एक साथ मिलकर एक घायल गेंडे को चुना और उसे नोचने लग गए। अच्छी बात यह थी कि गेंडे को समय रहते समझ लग चुकी थी कि यहाँ पर रुकना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और लकड़बग्गों के झुंड से दूर भागना शुरू कर दिया और अपनी जान बचाई। ऐसा ही वीडियो जुलाई 2019 को देखने में आया था जिसमें आपको दिखाई देगा कि एक मॉनिटर लिजर्ड जमीन पर टहल रहा था और बिल्ली उसे परेशान कर रही थी। बिल्ली को ऐसा लगता है कि यह छोटी छिपकली उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती लेकिन तभी मॉनिटर लिजर्ड अपनी पूंछ से इतना खतरनाक वार करता है। उसके बाद बिल्ली की क्या हालत होती है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों क्या आपने पहले कभी ऐसे जानवरों के बारे में सुना था? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।